हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल हाउ आर यू ओके आई होप आपको पिछला जो लेसन था वो क्लियर हो गया होगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नाइन्थ लेसन द नेम ऑफ लेसन इज ईदगाह जहाँ पे मुस्लिम लोग इकट्ठा होते हैं एंड मेला लगता है वहाँ पर एंड काफ़ी सारे झूले होते हैं वहाँ पे लोग पूजा करते हैं पाठ करते हैं अपना This story is written by Munshi Premchand Munshi Premchand was the pan name of Dhanpat Rai Srivastava, one of the most celebrated writer of Indian subcontinent and foremost Hindi writer of the early 20th century. He wrote novels, short stories, dramas and his talent was extraordinary that ही वॉज कॉल्ड एन एम्पर अमंग नावलिस्ट बाय अदर राइटर ऑफ हिस एज जो मुंशी प्रेमचंद सेव काफ़ी ज़्यादा फेमस थे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें नावल्स भी लिखे थे स्टोरीज भी लिखी थी शॉर्ट ड्रामाज भी लिखे थे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिफरेंट मतलब टैलेंट दिखाया था अपना जिसकी वजह से उनको एम्पर अमंग नावलिस्ट बोला जाता था बाकी जो उनकी एज के राइटर थे वो उनको क्या बोलते थे एम्परर अमंग नावलिस्ट सब नॉवलिस्ट जो थे नॉवलिस्ट कौन होते हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं द स्टोरी इज गा विच द ऑथर ओरिजिनली रॉट इन उर्दू अंडर द पेन नेम नवाब राय was published इन 1938 and is one एंड इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट नोन स्टोरीज ये जो स्टोरी है उन्होंने सबसे पहले किस में लिखा गया था वो उर्दू में लिखी गई थी नवाब राय के उस उसने लिखी थी एंड पब्लिश इन 1938, हंड्रेड थर्टी एट नाइनटीन हंड्रेड थर्टी एट में वो पब्लिश हुई थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टोरी रही थी द स्टोरी फिल विद लव हार्ट वामिंग एम्पथी एंड जेंटल ह्यूमर इथ हैड बीन ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेज एंड फॉर स्टेज एंड डांस परफॉर्मेंस ये जो स्टोरी है प्यार से भरी हुई है हार्ट वामिंग या हमदर्दी वाली है जेंटल ह्यूमर भी है हंसी मजाक भी है इसमें ये स्टोरी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट की गई है एंड उनको एज अ स्टेट एंड स्टेज एंड डांस परफॉर्मेंस के लिए भी रखा गया था आगे देखते हैं हम इंडिया कनेक्ट पढ़ते हैं पहले हम द मुंशी प्रेमचंद पार्क स्प्रेड ओवर द टू एकर्स इज वन ऑफ द लैंडमार्क ऑफ द गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश द पार्क नोटेड फॉर हिज इट्स ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स एंड वेजिटेशन कंटेन्स द हाउस वेयर द मुंशी प्रेमचंद लिव्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स मुंशी प्रेमचंद नाम का एक पार्क था जो दो एक में फैला हुआ था काफ़ी बड़ा था कहाँ पे था वो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में द पार्क पार्क जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था लैंडस्केप्स थी वहाँ पे वेजिटेशंस भी थी जिसमें मुंशी प्रेमचंद का घर भी था जहाँ पर वो काफ़ी समय के लिए रुका था प्रेमचंद सर्व एज अ टीचर एट नॉर्मल हाई स्कूल इन गोरखपुर फ्रॉम 1916 हंड्रेड सिक्सटीन टू नाइनटीन जो मुंशी प्रेमचंद थे उन्होंने एज अ टीचर भी काम किया था कहाँ पे एट नॉर्मल हाई स्कूल था गोरखपुर में 1916 से लेकर 1921 तक इट वॉज़ ड्यूरिंग हिज पीरियड दैट प्रेमचंद कंसीव द आइडिया ऑफ स्टोरी ऑफ ईदगाह ये जो टाइम था उसका जहाँ जब वो टीच कर रहा था वहाँ पे उसको दिमाग में ये चीज़ आई कि वो स्टोरी लिखे ईदगाह के ऊपर इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द फेयर हेल्ड एट मुबारक खान शहीद ईदगाह ईदगाह और ये आई डी वाला ईदगाह वन ऑफ द सेम थिंग है उन्होंने जहाँ पे मेला देखा था फेयर का मतलब होता है मेला मोहम्मद खान शहीद ईदगाह जो थी वहाँ पे मेला लगा हुआ था वो देखा था तो वहाँ से वो इंस्पायर हुआ था ये स्टोरी लिखने के लिए कि कहाँ पर लोकेटेड थी ये ईदगाह लोकेटेड नियर द टू रूम क्वार्टर वेयर द राइटर यूज टू तो लिव विद हिज वाइफ जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहता था तो उसके पास ही था द श्राइन इज स्टिल फ्राम सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर लैक्स ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज थ्रू इट्स अपेयरेंस एंड दो इट्स अपेयरेंस एंड सराउंडिंग्स हैव चेंज कंसिडरेबली फ्रॉम टाइम वेन देयर जो वहाँ पे जो ईदगाह थी जो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी उसकी जो अपेयरेंस थी वो चेंज हो चुकी थी टाइम के साथ साथ जब वो प्रेमचंद वहाँ पे रहता था तब के टाइम से लेकर अब तक काफ़ी उसमें चेंजेस आ गए हैं एंड काफ़ी जो लोग थे वहाँ पे जाते थे और अभी भी जाते हैं आगे देखते हैं All the in all the people in the village were excited at the thought of going to Eidgah fair, where there देर be a lot of amusement and entertaining things to buy. सारे जो लोग थे विलेज के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे खुश थे उतावले थे कहाँ पे जाने के लिए वो मेले में जाने के लिए क्यों क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन की चीज़ें थी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं जो ख़रीद कर लेकर आते हैं घर पर वो सेवन ईयर ओल्ड हामिद वॉज़ वेरी हैप्पी टू सेवन ईयर का एक बच्चा था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज़ फ्रेंड महमूद मोहसिन एंड मौरे नौरे ये नाम के उन तीन जो उसके फ्रेंड्स थे हमिद के उनके साथ वो जा रहा था मेले में तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश था हमिद एन ऑफ़ैन हु लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर अमीना अमीना उसकी ग्रैंड मदर का नेम है वो उसके साथ रहता था क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं थे अमीना मॉज सो पुअर दैट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाई न्यू क्लोथ्स एंड स्वीट्स फॉर ईद उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए क्लोथ्स नए कपड़े या फिर स्वीट्स लेकर आए उसके पास एक्स्ट्रा सिर्फ तीन पैसे ही थे थ्री पैसा ऑल दैट शी कुड स्पेयर वॉस थ्री पैसा एंड शी गेव दैम टू हेमिड उसके पास एक्स्ट्रा सिर्फ तीन पैसे ही थे जो उसने अपने बच्चे को दे दिए अपने ग्रैंड सन को दे दिए हमिड को ताकि वो मेले में जाए बाय योर सेल्फ अ ट्राए और समथिंग नाइस टू ईट एट द फेयर शी सेट तो उसने उसको बोला अपने बच्चे को कि जाओ वहाँ पे जाओगे तो आप कोई ट्राए जो आपको पसंद आए या फिर कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए लेकर खा लेना एट द फेयर हमिड्स आइज ग्रू राउंड एंड डिलइट वट अ वंडरफुल थिंग देयर वर्ल टू सी वहां पर काफी ज्यादा अच्छी चीजें थी देखने के लिए वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उसकी जो आंखें थी वो चमक उठी थी उन चीजों को देख कर हाँ जी ओ पहन हंड्रेड नाइन देर वॉज अ जैंट व्हील द टुकट्स पैसेंजर फ्लाइंग इन द स्काई एट वन मोमेंट एंड हॉल्टिंग डाउन टू वर्ड द ग्राउंड एट नेक्स्ट देर was beautiful डेकोरेटेड स्वीट शॉप्स टॉय शॉप्स फुल ऑफ कलरफुल टॉयज एंड वर्लिंग मैरी गो अराउंड तो क्या देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक giant का मतलब होता है बड़ा बड़ा एक व्हील था जिसको हम चंडे, चंडेल बोलते हैं जो भी वो होता है अपने मेले में देखा होगा तो उसके ऊपर चढ़ के बच्चे मतलब जो क्या था कि वो ऊपर उड़ रहा था एक मोमेंट के ऊपर वो ऊपर जाता था फिर बिल्कुल नीचे आके रुक जाता था ग्राउंड को उसके बाद क्या था देर वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड शॉप्स काफ़ी अच्छे से डेकोरेट की गई शॉप्स थी टॉय शॉप्स थी जो कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट टॉय से भरी पड़ी थी एंड वर्लिंग मैरी गो राउंड वर्लिंग का मतलब क्या होता है गोल गोल घूमते रहना मैरीगो राउंड जो स्विंग्स होते हैं वो वहाँ पर थे नेक्स्ट one वन पैसा फॉर rounds on ऑन go राउंड एक्सक्लेम्ड महमूद एक्साइटेडली महमूद जो था उसने एक्साइटेडली खुश होकर मतलब बोला कि एक पैसे में इतने ज़्यादा राउंड्स मैरीगो जो स्विंग था उसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसके ऊपर ट्वेंटी राउंड लगाने के सिर्फ एक पैसा ही चार्ज लग रहा था ही लेफ्ट ऑन द मैरीगो राउंड एंड नॉरे एंड मोहसिन फॉलोड हिम क्विकली हेमड हंग बैक तो क्या हुआ जोर से वो उसके ऊपर उछल कर बैठ गया लेफ्ट का मतलब क्या होता है उछल कर बैठना मैरिगो राउंड के ऊपर बैठ जाता है वो नौरे भी नौरे एंड मोहसिन जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी उनके पीछे ही चले गए वहाँ पर बट जो हैमेट था वो वहीं पर रुक गया था हंग बैक का मतलब है वहीं पर रुक जाना तो वो जो हैमेट था वो वहीं पर रुक जाता था क्यों रुक गया था क्योंकि उसके पास बहुत कम पैसे थे उनके जो फ्रेंड थे उनके पास फिफ्टीन पैसे थे स्पेंड करने के लिए बट ही हैज़ ओनली थ्री पैसे अनलाइक हिज फ्रेंड हु हैड ऑल गॉट फिफ्टीन पैसे टू स्पेंड ही हैड ओनली थ्री पैसे ही डिसाइडेड दैट ही कुड नॉट वेस्ट वन थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर ऑन एन ऑर्डनरी राइड तो वो नहीं चाहता था कि ये ऑर्डनरी मतलब नॉर्मल सी राइड के ऊपर वो अपना वन थर्ड पैसे खर्च करे नेक्स्ट पैरा आफ्टर द मैरिज गो writes the boys headed toward the toy shops. There was many toy figures on sale, soldiers, kings, peasants, water carrier and even lawyers. Mahmood bought a small toy, smart toy, policeman with a gun across his shoulder. Mahassin picked a water carrier <coughs> that looked very lifelike. Nora chose a smart and dignified looking lawyer. Hamid looked longingly at the toys बट डिड नॉट buy एनी ही कुड नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू of ऑफ हिज three थ्री पैसे ऑन मेयर टॉय तो क्या हुआ उसके बाद जैसे वो झूले से नीचे उतरे थे तो बच्चे जो थे सारे के सारे टॉय शॉप की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ देखे थे शोल्डर के किंग के पीसेंट मतलब फार्मर्स के वाटर कैरियर्स जो थे इवन लॉयर के भी थे वहाँ पर बट उसने कोई टॉय नहीं ख़रीदा था महमूद जो था उसने पुलिस मैन खरीदा मासीन जो था उसने वाटर करियर बॉटल जो थी वो खरीदी थी नौरे ने अपने जो पैसे थे वो लॉयर के ऊपर स्पेंड की खर्च कर दिए बट हैमेड तो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे सोचता रहा कि क्या लो बट उसने कुछ नहीं लिया कोई टॉय नहीं लिया वो चाहता वो नहीं चाहता था कि अपने वो दो पैसे वहाँ पे उस सिर्फ टॉय के ऊपर खर्च कर दे नेक्स्ट नेक्स्ट द फोर फ्रेंड्स वेंट टू वर्ड द स्वीट शॉप उसके बाद जो चारों दोस्त थे वो स्वीट शॉप के पास जाते हैं वंडरफुल अरोमास दैट फ्लॉटेड आउट ऑफ द शॉप्स मेड हैमिट्स माउथ वाटर जो बड़ी अच्छी सी खुशबू वहाँ से आ रही थी शॉप से उसके साथ क्या हुआ हैमिट का जो माउथ था वो वाटरिंग कर रहा था मतलब पानी आ गया था उसके मुंह में हिज फ्रेंड हडेड टू बाई द स्वीट्स फॉर दमसेल्फ उसके जो फ्रेंड्स थे वो भाग कर वहाँ पर शॉप पर चले गए थे उसको ख़रीदने के लिए एंड दे बिगिन टू ईट विद लारिश तो वो खुश होकर इंजॉय कर करके कर खाना उसने स्टार्ट कर दिया था हेमड स्ट्रूट आर साइड स्टिफली तो वहीं पर वो रुक जाता है वाई आर यू नॉट बाइंग एनी स्वीट सैट आज महमूद तो महमूद उससे पूछते कि आप तुम क्यों नहीं मतलब कोई स्वीट्स ख़रीद रहे ही हैज़ ओनली थ्री पैसे टू स्पेंड सैड नौरे कंटेम्पटली महमूद जो था वो उससे पूछ रहा था कि तुम क्यों नहीं ख़रीद रही कोई भी मतलब स्वीट्स वगैरह तो नौरे जो था वो उसको अपमानजनक तरीके के साथ इस्पेक्टफुल वे के साथ उसको बोलता है कि सिर्फ इसके पास तीन पैसे ही हैं खर्च करने के लिए ज़्यादा इसके पास है नहीं वो मतलब उनका मजाक उड़ा रहे थे हम नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू सो मच